सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। बिरसा सिंह बलटोहा का अस्तीफा अकाली दल वालों मंजूर। कल बलटोहा ने खुद ही छड़ी सी पार्टी, अकाली दल ने बलटोहा का अस्तीफा किया मंजूर। लुधियाना च गैस लीक होने कारण लगी अग, बच्ची समेत सात लोग झुलसे। अग फैलन कारण मची भगदड़। खन्ना च एक साल के मासूम बच्चे की गई जान, जमीन ते डिगन कारण हुई मौत। नैशनल कॉन्फ्रेंस के आगू उमर अब्दुल्ला ने अज श्रीनगर च जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री वजों अपना अहुदा संभाल लिया। अब्दुल्ला 2019 च धारा 370 नूं खत्म करन तो बाद जम्मू ते कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। धारा 370 हटाए जान तो बाद राज नूं जम्मू कश्मीर ते लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों च वंडिया गया सी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री वजों अब्दुल्ला का यह दूजा कार्यकाल होगा। अपने पहले कार्यकाल 5 जनवरी 2009 तो 8 जनवरी 2015 दरमियान जम्मू ते कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे ने। उमर अब्दुल्ला नूं शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर विखे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सहुं चुकाई है। उमर अब्दुल्ला ने सुरेंद्र कुमार चौधरी ने उप मुख्यमंत्री बनाया। उसने 9 शहरों तो चोन लड़ी सी ते भाजपा आगू रविंदर रैणा नूं हराया सी ते उमर अब्दुल्ला तो इलावा 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी सहुं चुके, जिन्हां विच सतीश शर्मा, सकीना येतू, जावेद चार, सुरेंद्र चौधरी ते जावेद राणा शामिल। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. साबका अकाली आगू विरसा सिंह बलटोहा का अस्तीफा श्रोमणी अकाली दल वालों मंजूर कर लिया गया। दरअसल बीते दिनी पंच सिंह साहबाना की हुई कतरता विच अकाली दल नूं 24 घंटिया च विरसा सिंह बलटोहा नूं पार्टी तो बाहर कढ़न दे हुकम सुनाए गए सन। पर इस तों पहला सिंह साहबाना के फरमान तो बाद विरसा सिंह बलटोहा ने खुद ही पार्टी तो अस्तीफा दे दिता सी, जिसनों कि अज श्रोमणी अकाली दल वालों प्रवान कर लिया गया है। जिक्रयोग है कि बीते दिनी पांच सिंह साहबाना ने सख्त फैसला सुनाउंदे आ, जिथे अकाली दल नूं विरसा सिंह बलटोहा की मुढ़ली मैंबरशिप के सारे अहुदियां तो 24 घंटिया अंदर फारग करन दे हुक्म सुनाए सन। उत्थे ही विरसा सिंह बलटोहा ते 10 साल की सियासी पाबंदी भी लगाई। लुधियाना विच गैस लीक होन कारण एक गड्डी च भगदौड़ मच गई। अग इन्नी फैल गई कि सत्त लोग झुलस गए। झुलसे लोगों च एक 7 साल की बच्ची भी शामिल है। जिस थां ते हादसा वापरिया उत्थे वड्डे सिलेंडरां तो छोटे सिलेंडरां च गैर कानूनी ढंग नाल गैस भरी हुई सी। हादसा गैस भरन दौरान वापरिया है। जानकारी अनुसार ग्यासपुरा इलाके की स्मार्ट कलोनी की गली नंबर 3 दे विच अग फैलन कारण भगदौड़ मच गई। अचानक गड्डी चों लोगों ने रौला पाना शुरू किया। सारा आंढ गुआंढ इकट्ठा होया। लोगों ने बड़ी मेहनत नाल अग ते काबू पाया। अग लगन नाल 7 साला बच्ची ते उसकी मां गंभीर रूप नाल झुलस गए ने। जख्मी लड़की की पछाण शिवानी ते उसकी मां फूलमती वजों हुई है। मां धी नूं अग तो बचाउण गए 5 होर लोग भी अग की लपेट विच आ गए। जख्मियों नूं शहर के वख-वख हस्पतालों च भर्ती करवाया गया। लोगों ने पुलिस चौकी ग्यासपुरा नूं सूचना दित्ती। फूलमती के पति ने दस्सिया कि उसकी पत्नी देर रात खाना बना रही सी। उदों ही उन्हां दे गवांढ दे व्यक्ति वड्डे सिलेंडर विचों छोटे सिलेंडर च गैस भर रहा सी, जिस तों गैस लीक होण लगी ते अचानक अग लग गई, जिस कारण उसकी पत्नी, बेटी ते छोटा भरा कृपा शंकर बुरी तरह झुलस गए। फूलमती की गंभीर हालत नूं देखदे हुए डॉक्टर ने उसनूं तुरंत रैफर कर दिया।
जैसे एक बच्ची सिलेंडर भर रही थी, लाला के लड़की, अच्छा बेड़े में, अच्छा बेड़े में भर रही थी, और वो सिलेंडर बंद नहीं की, मेरी जनानी आके पैर हाथ धो रही थी, पैर हाथ धो रही थी, अब वो बंद नहीं की, मेरे घर में बच्चे सब खाने बना रहे थे, अब बस वही सिलेंडर आके आग लग गया, पूरे बेड़ी में लग गया, अच्छा और सब भाग गए, तो उसमें मेरी जनानी एक और बच्ची, अच्छा ज्यादा चोटी है, जो थोड़ा बहुत चोट वाले हैं तो वो नहीं आए। खन्ना दे शहर ललेड़ी रोड ते नंदी कलोनी इलाके च वापरे दर्दनाक हादसे च एक साल दे मासूम बच्चे दी मौत हो गई है। जानकारी मुताबिक नंदी कलोनी इलाके च बच्चे घर दे बाहर खेड रहे सन कि इसे दौरान एक चार साल दी बच्ची ने अपने एक साल दे मासूम भरा नूं अपनी गोद लिया ते बच्चियां नाल खेडन लग पई। अचानक एक साल दा मासूम लड़का लड़की दे हत्थों छुट के जमीन ते डिग पिया। बच्चे दे परिवारक मैंबर तुरंत उस नूं सिविल हस्पताल लै के आए, पर उद तक बच्चे दी मौत हो चुकी सी। सिविल हस्पताल दी डाक्टर अमरजीत कौर ने भी दस्सिया कि जद तक बच्चे नूं हस्पताल लिया गया उद तक उसकी मौत हो गई सी। बच्चे की लाश को सिविल हस्पताल की मोर्चरी च रखवा दिया गया। बिल्कुल एमरजेंसी में बच्चा आया, वो ब्रॉड डेड आया। अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट्स कि बच्चे नूं घर किसी छोटे बच्चे ने गोदी चुकया होया सीगा और वो बच्चे के हाथ तो बच्चा डिग गया, डिगन करके उसका सिर नीचे लग गया जमीन पे। तो साडे कोल ब्रॉड डेड कंडीशन में लेके आए हैं बच्चे को। अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर मेल चाइल्ड है। हाँ जी, नहीं नो एक्सटर्नली कोई विजिबल इंजरी नहीं हैगी। वी शिफ्टेड द पेशेंट टू द मॉर्चरी। बुढ़लाडा ब्लाक के पिंड बच्छुआणा विखे अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राजकुमार अपने विरोधी मेजर सिंह तो 411 वोटां दे वड्डे फर्क नाल जेतू रहे ने। कबड्डी खिलाड़ी 23 साला राजकुमार स्कूली पढ़ाई करन समय ही कबड्डी विच पूरी रुचि रखदा सी ते हुण ओही खिलाड़ी पिंड दे विकास ते तरक्की लई वचनबद्धता दोहरा रहे। पिंड बच्छुआणा दा इतिहास रहा कि इत्थे जिस समय भी पंचायती चोणां होईआं ने उस समय तो ही इत्थे सत्ताधारी धिर जां विरोधी धिर दा ही सरपंच चुणिआ जांदा, पर पिंड वासियां ने नवीं रीत चलाउंदिआं नौजवान लड़के नूं पिंड दा सरपंच चुणिआ। जो साढ़े पिंड अज सरपंची की चोण हुई आ, राजकुमार जो कि एक कबड्डी का बहुत ही टॉप का खिडारी हैगा, सो अज पिंड दे वल्लों बहुत ही छोटी उम्र के 22 साल की उम्र के जो पिंड दे वल्लों सरपंच चुनिया गया। इन्हां दे सरपंची का जो चुनने का मुख्य कारण यह आ, एक तो इन्हां दे ताया जी की बहुत वड्डी सपोर्ट आ अमरीक सिंह की, तो दूजा वीर ये जो खेड कबड्डी जगत नूं प्रमोट करता गा। नौजवान पीढ़ी भाई यही स्नेहा बस नशिया तो बचन, वो तो वो ग्राउंड चाहन आपकी प्रैक्टिस कर, बस नशिया की बचन भाई। और पहला तो भाई अपना किसी का कोई विरोध नहीं है, आप सारे के काम करने ने, जिन्ना भाई आप सहयोग सारे सहयोग दिता जिम्मे साथ दिता अं भाई आप सारे के काम करने बस। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी के मनाए जाने वाले प्रकाश पुरब को लैके सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे तैयारियां जोर शोरों नाल शुरू कर दी गई ने। इस संबंधी जानकारी देते हुए श्री दरबार साहब के मैनेजर भगवंत सिंह धगेड़ा ने दस्सिया कि श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब 17 to 19 अक्टूबर तक सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे बड़ी श्रद्धा और सत्कार सहित मनाया जा रहा है। श्री दरबार साहब के मैनेजर भगवंत सिंह धगेड़ा परिक्रमा के सारे सेवादार नाल मीटिंग करके नगर कीर्तन की रूपरेखा बारे जाणू कराया तो गुरपुरब मौके मत्था टेकने वाली संगत का सहयोग करने की भी अपील की है। लुधियाना विखे एक सड़क हादसा वापर गया जिथे तेज रफ्तार कार चालक ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान नू जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इन्ना भयानक सी कि बाइक सवार दोहे भरा हवा च करीब 7 फुट उच्ची छाल मार के डिग पए। तेज रफ्तार कार चालक मौके तो फरार हो गया। मिली जानकारी अनुसार देर रात दोवें भरा ढाबे तो खाना खा के घर परत रहे सन, उदो अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसनू टक्कर मार दी। जख्मियों की पछाण कुनाल शर्मा ते नितिन वजों हुई है। जख्मियों ने रौला पाया तो नेड़े तेड़े के लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने तुरंत जख्मियों
ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। त्रै शताब्दी गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज विखे प्रिंसीपल डॉक्टर कुलविंदर सिंह की अगुवाई में श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश गुरपुर मौके कढ़े जा रहे नगर कीर्तन का स्वागत करन संबंधी मीटिंग की है। प्रिंसीपल डॉक्टर कुलविंदर सिंह ने दसिया कि 18 अक्तूबर सवेरे 10 बजे श्री अकाल तख्त साहब तो विशाल नगर कीर्तन आरंभ होएगा जो कि वख-वख थावां तो हुंदा होया श्री अकाल तख्त साहब विखे जाके समाप्त होएगा। त्रै शताब्दी गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज खजाना वाला गेट विखे नगर कीर्तन का निघा स्वागत करेगा। इस मौके पर प्रोफेसर गुरजंत सिंह, प्रोफेसर रविंद्रपाल सिंह ते कॉलेज सुपरिटेंडेंट शिवराज सिंह भी हाजिर रहे। आज दी मीटिंग दा मेन एजेंडा सीगा के आप सब जानदे हो भली पान जाणू हो के मिती 19 तरीक नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों संगतां दे सहयोग नाल श्री गुरु रामदास जी चौथे पातशाह जिन्हां दा प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है उस संबंध विच 18 तरीक नूं संगतां दे सहयोग नाल नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहिब तों आरंभ होवेगा। एडवोकेट सरदार हरजिंदर सिंह दी धामी प्रधान श्रोमणी कमेटी वल्लों कोई आदेशां अनुसार त्रै शताब्दी गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज के समूह स्टाफ और विद्यार्थी निर्धारित जगह खजाने वाले गेट से नगर कीर्तन का स्वागत करेंगे। मैं समूह सिख जगत को धन धन श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पुरब की अपने वालों स्टाफ वालों समूह विद्यार्थियों वालों लख लख बधाई देता। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਨੈਚਰ ਨੇ ਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਫੇਸ 3 ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਚੈਨ ਖੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤ ਜੋ ਕਿ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਨੈਚਰ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਸਨੈਚਰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। श्री अकाल तख्त साहब के साबका जथेदार प्रोफेसर मनजीत सिंह ने पंच सिंह साहबाना की मीटिंग किए गए फैसले की शलाघा करदे कहा कि एक इतिहासिक फैसला सारी कौम ने एकजुट होकर पंथ की चढ़ती कला के लिए कार्य करने चाहिए। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਦੂਰਰਸੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਮਤ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਅਪਣੱਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅੱਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਓਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਨੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।
हुण नज़र मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त। धन्नवाद। फॉर ऑल योर इमीग्रेशन फैमिली लॉ नीड्स, कॉल और स्कैन QR कोड टू कॉन्टैक्ट अस। रोडिस इंक मिलियन माइल्स विद स्माइल और स्कैन QR कोड टू कॉन्टैक्ट अस। Flying Bird Truck Repair, trust we build in truck repair, or scan QR code to contact us. The Masala Twist Oxnard Fine Authentic Indian Cuisine, or scan QR code to contact us. Pizza Twist, taste we twist, order today, call or visit website or scan QR code to contact us. New India Market, or scan QR code to contact us. Taba Indian Cuisine, Tracy Fine Authentic Indian Cuisine in Tracy, or scan QR code to contact us. Bila Market, scan QR code to contact us. Simi Valley Family Dental Office or scan QR code to contact us. Samra produce largest variety of Indian vegetables and fruits in the USA. Scan this QR code to contact us. Mountain Mike Pizza, scan this QR code to contact us. Appa Kadahi made and served with love. Scan this QR code to contact us. Krishan Kumar Covered California Certified Agency Manager who can help you, your family and your small business with health insurance. Call at 1-877-830-3270 or scan QR code to call or text.